आज कितना अच्छा दिन है, कपड़े सूख जाएंगे, बाकी के कपड़े भी धो लेती हूँ। अच्छी धूप निकली है, चलो जल्दी सुखा दे। ये पिकनिक के लिए कितना अच्छा मौसम है। बिल्कुल सही, मुझे भी पिकनिक पसंद है, पर मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे कभी कभी तुम्हारे बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आता सिंड्रेला, तुम उन्हें अपने कपड़े खुद धोने के लिए क्यों नहीं बोलती। सही कह रहा है, कैथरीन और जेन को अपना काम खुद करना चाहिए, तुम क्यों करती हो। सिंड्रेला, हाँ? सिंड्रेला जल्दी आओ, मेरी ड्रेस की सिलाई करो, ये उधड़ गई है, जल्दी ऊपर आओ। मुझे मेरा काम करने दो कैथरीन, आज काफी अच्छी धूप है और सारे कपड़े सूख जाएंगे, मुझे बहुत काम है। मैं चाहती हूँ तुम इसी वक्त आकर इसकी सिलाई करो, मैं और रुक नहीं सकती, तुम बाद में कपड़े धोना। उसे कहो कि उसका काम वो खुद संभाले। हाँ यही ठीक रहेगा। सही कहा। आलसी कहेंगी। मुझे पता है पर मैं तुमसे बार बार ये नहीं कहूँगी सिंड्रेला, जल्दी से ऊपर आओ और आके मेरी ड्रेस की सिलाई करो, तुम बात सुनते क्यों नहीं हो, जल्दी आओ। कैथरीन रुक जाओ, अब क्या है, ये काम करना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बस एक बार सीख लो फिर मजा आएगा। जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें इसमें भी मजा आता है, पर मुझे ये काम पसंद नहीं। अब इसे कौन समझाए। तुम क्या पढ़ रही हो इजाबेल? बस एक प्रेम पत्र, देखिए ये मुझे आज ही मिला, राज्य के सबसे चहेते राजकुमार की तरफ से। राजकुमार ने भेजा? राजकुमार की मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उस वक्त से पहले भी जब मैं ये घर छोड़कर भाग गई थी। बेट्स के ड्यूक के दोनों बेटे और विलकॉक्स के वाइकॉन्ट भी, कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। इनमें से कोई भी पिताजी मेरे लायक है, कम से कम वो मुझ पर ध्यान तो देंगे। बात सुनो इजाबेल, तुम सिर्फ और सिर्फ चाल से शादी करोगी। बस बहुत हुआ पिताजी, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, अब मुझसे और सहन नहीं होगा। राजकुमार चार्ल्स के पास और कोई रहस्य तो नहीं? नहीं, कभी कभी वो अकेले घूमने जाता है। वो लड़का तुम दोनों से होशियार है, उसे रहस्य छुपाना अच्छी तरह से आता है। मुझे भरोसा है कि उसके लिए ये सब करना बहुत आसान होगा, पर मैं भी हर तरीके से उससे बहुत चालाक हूँ। हमें उस पर नजर रखनी होगी, उसका ऐसा रहस्य ढूंढना होगा जिससे वो मेरी बेटी से शादी करने पर मजबूर हो जाए। कैथरीन, कैथरीन, क्या हो गया जेन, तुमने तो पूरा घर सर पे उठा लिया है, अब बताओगी क्या हुआ है। जराल, जराल हमारे घर पे आए हैं। हाँ मैंने वो सब ऊपर से देखा। आप कुछ बोलोगे भी? तुम्हें बैठ जाना चाहिए, नहीं तो तुम सुन के बेहोश हो जाओगी। आगे बोलो ना। तुमको पता है हमको महल जाने का बुलावा आया है। अब मैं राजकुमार से मिल सकूंगी। मेरी बेटियां आपको जरूर पसंद आएंगी, मैंने उन्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है, आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे भरोसा है कल कोई गाड़ी लेकर आएगा और उन्हें यहाँ से महल लेकर जाएगा। ठीक है, वो भी तैयार रहेंगी। बहुत अच्छे, आने के लिए शुक्रिया। जराल, उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम उनकी बेटियों को महल के काम के लिए लेके आ रहे हैं। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम ये करेंगे? माफ करना मुझे, मेरे ख्याल से महल के काम करने के लिए लड़कियां बिल्कुल ही सही हैं। मैंने जैसे ही शाही महल के बारे में बात की, मैडम दलबन बहुत ध्यान से सुन रही थी। मजे की बात तो यह है कि उन्होंने भरोसा भी कर लिया कि हमने उनकी लड़कियों को चुना है। सही बात तो यह है कि उनका घर हमारे बहुत करीब है, इसलिए मैंने उन्हें चुना। उम्मीद तो बस यह है कि उसकी माँ की तरह वो भी मेरे छासे में फंस जाएं। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मेरा काम आसान हो गया। तुम्हें सारा काम हमेशा खुद करना पड़ता है। मुझे लगता है मुझे जल्दी सोना चाहिए, कल बहुत काम है। सिंड्रेला तुम्हें बहुत सारा काम करना है। जाओ, तो हम तुम्हारी और मदद कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं तुम्हारे बिना क्या कर पाऊंगी। उसके बारे में कभी मत सोचना। चलो अब सोने का वक्त हो गया, शुभ रात्रि दोस्तों।
दोनों तैयार हैं। सिंड्रेला भी तैयार है जैसे आपने कहा था। बहुत खूब, मैंने जो भी बातें तुम्हें सिखाई हैं उन्हें याद रखना ताकि राजकुमार तुम दोनों में से किसी एक को पसंद कर ले। अगर मेरी बातों को याद रखोगी तो हो सकता है कि कल को तुम राजकुमारी बनकर उस महल में जाओ। देरी के लिए माफी चाहूंगी। मैं इसे जाने से नहीं रोक सकती क्योंकि न्योते में साफ लिखा था कि तीनों लड़कियों को आना है। आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता? हाँ माँ बोली ना। मैंने उनसे एक बार कहा था पर बार बार नहीं कह सकती। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी बात से नाराज होकर न्योता ही ना दें, इसलिए चुप रही। पर अगर हम लोग सिंड्रेला को लेके जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल बकवास दिखेंगे। जेन सही कह रही है माँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सिंड्रेला के वहाँ होने का फायदा उठाना होगा। मिसाल के तौर पर वह तुम उसकी मदद से अपने बारे में सबको बता सकती हो। बिल्कुल, पर क्या आपको लगता है कि हमारी खूबसूरती का मुकाबला इससे है? माँ ये एक बहुत अच्छा सुझाव है, वो हमारे साथ आ सकती है। ये अजीब बात है, हम इस तरह नौकरों के दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। कपड़े बदलने होंगे, तुम इन कपड़ों में काम नहीं कर सकती हो। हाँ। इन्हें ऊपर लेकर जाओ और कपड़े दे दो। तुमने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल सही हैं। हाँ? इन्होंने हमें नौकरों वाले कपड़े क्यों दिए हैं? लेकिन हम लोग ये महल क्यों साफ कर रहे हैं? और देखो ये कितना बड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ घर का काम करने नहीं आई हूँ। सुनो तुम दोनों, जल्दी शुरू करो वरना काम खत्म नहीं होगा। जी मोहतरमा। हॉल के बाद सीढ़ियों की सफाई भी करना। जी। ये कितना सुंदर है, यहाँ तो बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। हम ये सब नहीं कर पाएंगे। ये जगह तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी? क्या फिर से सपने देख रही हो? नहीं। ठीक है, अब मैं बहुत थक गई हूँ। तुम सारा काम अच्छी तरह करना और तुम अपने हाथ चलाओ। मैं तो भूल ही गई थी, खाने का वक्त हो गया। तुम लोग पहले सीढ़ियाँ साफ कर लो, फिर आकर अपना बढ़िया खाना खाना। शुक्रिया। मुझे तो राजमहल की सीढ़ियाँ साफ करने में बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें? मुझे उम्मीद है खाना भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ला 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 ला। ये खाना? हाँ? आज सुबह ही बनाए गए हैं। तुम दोनों जल्दी से खा लो और फिर तैयार होकर ऊपर आ जाओ, फिर कुछ खाने को नहीं मिलेगा। मुझे भी बहुत दर्द है कैथरीन, क्या तुम थोड़ी सी मालिश कर दोगी? क्या तुमने सुना नहीं, मेरी कमर अकड़ गई है, पहले मैं मसाज लूंगी। पता नहीं ये सब कैसे कर लेती है, मैं यहाँ नहीं सो सकती। उसको क्यों फर्क पड़ेगा, वो तो ऐसी ही रहती है। मुझे तो बस ये जानना है कि आखिर हम लोगों से ये क्यों कराया जा रहा है, तुम्हें कुछ पता है? शायद राजकुमार हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। हाँ क्या मतलब? मतलब राजकुमार होना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत कुछ करना होता है, इसलिए शायद वो लोग देखना चाहते हैं कि होने वाली राजकुमारी ये सब कर सकती है या नहीं, समझी तुम? हाँ कैथरीन, हो सकता है यही बात हो, इसीलिए तो वो हमसे मिले भी नहीं यहाँ आने से पहले। कैथ मैं तो बहुत मेहनत करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी और उनका दिल जीत लूंगी। और वो औरत हमेशा परछाई की तरह हमारे साथ साथ घूम रही थी, ये काम करो वो काम करो यही बोले जा रही थी। उसे ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि हम हमेशा यहाँ काम करते रहेंगे? पर जरा इस बारे में सोचो कैथरीन, हम उस महल में आ गए हैं जिस महल के सपने हम हमेशा देखा करते थे। मैं बहुत खुश हूँ।
और जरा सोचो जेन, हम शादी के कितना करीब हैं। शांत हो जाओ, अभी सो जाओ वरना कल काम नहीं कर पाओगी। मुझे माफ कर दो बैच, पर हम तुम्हारे लिए बस इतना ही ढूंढ पाए। ठीक है, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कैसी हो पायलट? बेचारे पैच को आज खाना ही नहीं मिला। ओ बेचारा, फिक्र मत करो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पायलट। मैं इतना सारा खाना कैसे खाऊं? ये सारा काम दोपहर तक पूरा हो जाना चाहिए, समझे? उसके बाद तुम लोगों को बहुत सारा और काम करना है। जल्दी करो, यहाँ इस महल में कोई खाली नहीं बैठता। अगर मुझे अच्छे से याद है तो सिलाई करना सिंड्रेला की खासियत है। ओ हाँ सिंड्रेला, ये तो याद ही नहीं था। तुम मेरे हिस्से के भी सिल देना। और मेरे भी सिल देना। मैं और जेन घूमने जा रहे हैं, ठीक है? अलविदा। हमें कहा गया है कि हमें राजकुमार पर नजर रखनी है, इसलिए हम जा रहे हैं। और तुम्हें कहा गया है कि काम करो। बहुत स्वादिष्ट है। ये नई लड़कियां कैसा काम कर रही हैं? वही जिन्हें जरल ने भेजा है। क्या बात है, उनकी चिंता हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि जरल ने जेनी और कैथरीन को राजकुमार के पास रखा है, बस यही पूछना चाह रही थी मैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये बिल्कुल गलत है। वो दोनों लड़कियां कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। राजकुमार के लिए सिर्फ सिंड्रेला का नाम ही आगे जाएगा, मैं उसी का नाम दूंगी। राजकुमार चार्ल्स। जरा चुप रहोगी, महल में तुम्हारी आवाज गूंज रही है। तो फिर राजकुमार को कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ भी हूँ? शायद उन्हें मेरी आवाज अच्छी लग जाए। चुप रहो जेन, राजकुमारी तो मैं ही बनने वाली हूँ। तुम गलत हो कैथरीन, हो सकता है कि तुम बड़ी हो, लेकिन मैं भी तो कितनी प्यारी हूँ। राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे। ऐसी हालत में तुम्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला। मुझे ही पसंद करेंगे। नहीं, मुझे नहीं। कहा ना मुझे? कहा ना तुम्हें नहीं पसंद करेंगे? और मेरे ही होंगे, पर पहले उनसे मुलाकात तो हो। कितना बड़ा महल है। ओह, राजकुमार का कमरा ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। ओह कैथरीन, क्या तुम्हें राजकुमार मिल गए? नहीं कैथरीन, मैं इस सुंदर सी मूर्ति को देख रही हूँ। ये कितनी सुंदर और कितनी कमाल की है। तुम्हें नहीं लगता कैथरीन कि ये राजकुमार जैसी दिखती है? हाँ। क्या बकवास है, इस मूर्ति में ऐसा क्या है? अब चलो जल्दी चल के राजकुमार का कमरा ढूंढते हैं। हाँ, मुड़ के पीछे देखो। क्या हुआ, कौन सी अजीब चीज देख ली? राजकुमार चार्ल्स। हाँ? कहाँ कहाँ है वो? वो उस दरवाजे पे थे अभी थोड़ी देर पहले। सच कह रही हो? ये तो राजकुमार है। कहा था ना। हमने ढूंढ लिया। हाँ। मेरा होने वाला राजकुमार इस कमरे में है। ढूंढ लिया। पता नहीं मेरा राजकुमार क्या कर रहा होगा। वो वायलिन बजा रहा है, शायद गाना गा रहा हो। क्या अभी? हाँ, कल जो मैंने ब्रेड खाई थी मुझे वो आज भी खानी है। चार्ल्स संभल कर, हमको अभी तक पता नहीं है कि जरल के दिमाग में क्या चल रहा है, हमें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो एलेक्स, पता है। ठीक है चार्ल्स। किसी दिन मैं भी राजकुमार के बगल में बैठूंगी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे वो यही कहीं आसपास है। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम वक्त से निपटा दिया। हाँ? ये तो राजकुमार चार्ल्स जैसा लग रहा है, ये यहाँ कैसे?
मजा आ जा रहा है। अकेले क्या कर रहा है? हाँ, कहाँ चला गया? देखते हैं वो कहाँ चला गया। सिंड्रेला, चार्ल्स, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी सिंड्रेला? ओ नहीं चार्ल्स, नहीं, मैं तो राजकुमार को ढूंढ रही थी, पर वो अचानक गायब हो गए। मैंने उनको यहाँ आते हुए देखा था, शायद वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई देखे। तो तुम्हारे पास अपने दोस्त के लिए वक्त नहीं है? क्या, बिल्कुल है, पर ध्यान रखना मैं तुम्हारी भी जासूसी कर सकती हूँ। महल में? हाँ, मैं यहाँ सफाई, कपड़े सिलना और भी बहुत काम करती हूँ, और जल्द ही मैं राजकुमार के कमरे का भी ध्यान रखूंगी। वैसे तुम और तुम्हारी बहनों को चुना किसने? सही बोलूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमें क्यों चुना गया। बस जरा लाए और मेरी सौतेली माँ से बोले कि हम तीनों को महल में भेज दे। ड्यूक जराल, उन्होंने तो मेरी बहनों को राजकुमार पर नजर रखने के लिए भी बोला है। समझ गया, जराल उनकी मदद से मुझ पर नजर रखना चाहता है, जिसकी मदद से वो मेरा कुछ नुकसान कर सके। चार्ल्स, तुम ठीक हो ना? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ये सब बस बहुत अच्छा है। लो, तुम्हें ये चाहिए क्या? इसको ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये सारा काम किसी एक ने किया है। माफ कीजिए, पर ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये मैंने और कैथरीन ने ही किया है। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, इसको देखकर समझ में आता है कि ये सारा काम किसी एक ने किया है। हाँ? और तुमने ये सारा काम सिंड्रेला से करवाया, मैं सही कह रही हूँ ना? सही कहा, उसी से करवाया है। ये सजा कितनी कड़ी है, कितनी मुश्किल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ जाके सफाई करो। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि इस जगह पहले मैं आई हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है कैथरीन, तुम्हारा काम बेकार है। मैं तुमसे बुरी तरह तंग आ गई हूँ जेन, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? चली जाओ, तुम यहाँ। शायद तुम सबको ये बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, शाही परिवार की किसी भी चीज को तोड़ना माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सिंड्रेला, तुम्हारे साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझसे पूछे बिना तुम किसी को कैसे निकाल सकती हो? माफ कीजिए, लेकिन और कोई रास्ता मैंने नहीं था। आदेश दिया था जराल, उन बहनों की वजह से हमारे परिवार की गुड़िया टूट गई थी। अच्छा, वो बेकार गुड़िया, बिना काम का पुतला जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता। उन सीधी लड़कियों से जासूसी कराने की फिराक में था। हाँ, कितना जलील आदमी है। आज से जराइल, जो भी इस महल में काम करने आएगा वो मेरी इजाजत के बिना नहीं आएगा। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पैच, ओ पैच, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने सोचा था। चलो फिर से काम पर चलें। ये जगह कितनी गंदी हो गई है, किसी ने भी सफाई नहीं की। सिंड्रेला, रुको, तुम किसी भी चीज को मत छूना, मैं और जेन काम करेंगे। तुम जाओ और आराम करो, बल्कि तुम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर भी जा सकती हो। जेन, कैथरीन, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, अब तुम जाओ, हमें काम करना है। हाँ, मैं जा रही हूँ पानी भरने। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही काम कर दिया, मुझे देखना होगा कि वो सिर्फ रसोई की ही सफाई करें, इससे ज्यादा काम वो नहीं कर सकते।